हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्मा जी स्टडी टिप्स। और आज का टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व 1 to 50 क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक सुना शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व 1 to 50 स्क्वायर, तो दोस्तों मैं आज आपको क्यूब की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप क्यूब आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए ट्रिक को शुरू करते हैं। ट्रिक को शुरू करने से पहले हम लोग को कोई एक नंबर लेना पड़ेगा जिसका हम लोग क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 15। ओके दोस्तों, यहाँ पर चढ़ गया क्यूब। तो होता क्या है, क्यूब में इस ट्रिक में हम लोग को करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक नंबर का क्यूब निकाल लेना है। 5 का क्यूब हम लोग निकाल लेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। और 1 का क्यूब कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आप इतनी दूर दूर क्यों किया है। इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा सेकंड स्टेप में। स्टेप 1 हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में हम लोग को करना क्या है, जैसे कि आप लोगों ने स्क्वायर का मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें भी हम दोनों 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 नंबर में से किसी एक नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब आप इसका स्क्वायर निकाल रहे हो, इसका स्क्वायर आने के बाद आपको आगे वाले नंबर से इंटू कर देना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और आगे वाले इंटू से 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 25। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी थोड़ा दूर हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर होता है आप लोगों का आंसर ज़रूर आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग का स्टेप 1 लाइन कंप्लीट, आप लोगों का 3 लाइन के अंदर आ जाएगा क्यूब। देखिए कैसे 25 आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 हम लोग के डिजिट आ गए हैं। तो आप लोगों को आखिरी वाला डिजिट, फर्स्ट वाला डिजिट, इसे चेंज बिल्कुल नहीं करना है, आखिरी तक इसे सेम ही लिखना है। बस आपको ये बीच वाले नंबर चेंज करने हैं, 25 का डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 1 ही लेके रहने देंगे, 125 लेकर रहने देंगे। फिर आपको थर्ड लाइन में करना क्या है, 50 और 25 का प्लस कर देना है 75, और 10 और 5 का प्लस कर देना है 15, फिर भी सेम रहेगा। अब बस 3 लाइन, अब समझिए हम लोग का आंसर आ गया है। आप लोग यहाँ पर 125 देख रहे होंगे। अब इस आखिरी नंबर, ये जो आप लोग देख रहे हो, इसमें से जो 125 आखिरी नंबर है, इस 125 में जो 5 आखिरी है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया, ठीक है, 5 लिखने के बाद ये जो 12 बचा है, इसे हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप 5 को यहाँ लिख दो, 12 बचा है यहाँ, तो आप लोगों को प्लस करना है। तो 5 2 7, 7 1 8, ठीक, 87। अब ये जो सेम चीज़ आपने यहाँ की थी, 125 का 5 लिख के 12 यहाँ लिख दिया था, वही सेम चीज़ करनी है। 7 75 प्लस 12 87 हुआ, 7 को यहाँ, 8 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 8 2 13, यहाँ पर हो गया हम लोग का 23। ठीक है, अब 23 सेम चीज़ यहाँ की थी, 87 का 7 यहाँ, 8 यहाँ, वैसे ही हम लोग को 23 का 3 यहाँ और 2 यहाँ, 2 1 कितना हुआ, 3, यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया। आप चाहो तो आराम से जाके कैलकुलेशन में देख लो, ये आंसर बिल्कुल सही आएगा, 3375। ट्रिक को थोड़ा आप जल्दी करने की कोशिश की, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो सकेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऊपर आ रहे लाइक बटन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर आ रही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।